दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा फॉर यू में, और मैं राजा मिश्रा आप सभी को सबसे पहले नमस्कार करता हूँ। देवियों और सज्जनों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ, या यूं कहूँ तो आप ही के सारे पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देने वाला हूँ, क्योंकि आप जैसा कि जानते हो कि इस चैनल पर मैं हिंदू धर्म से रिलेटेड दुनिया का कोई भी प्रश्न आप पूछ सकते हो, और मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि जैसा कि आप जानते हो कि मैंने आपको बताया भी है कि हिंदू धर्म से रिलेटेड जितनी भी पुस्तकें हैं, लगभग मैंने सारे का अध्ययन किया है, जैसे कि वो वेद, पुराण, उपनिषद, संहिता, जो भी है मैंने लगभग, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी मैं सर्वज्ञ हूँ, मैं सर्वज्ञाता हूँ, मैंने लगभग पुस्तकों का, बहुत सारे पुस्तकों का अध्ययन किया है, और जो प्रश्न आप पूछोगे मैं आपको आशा दिलाता हूँ कि मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल सही सही देने का प्रयास करूंगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं 2-3 दिन से क्वेश्चन आंसर का ये वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था, क्योंकि हमारे पास वक्त नहीं था, समय ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं। तो चलिए आज देखता हूँ कि सबसे पहले जो है वो प्रश्न किनका आया है, देखता हूँ कि सबसे पहला जो प्रश्न है वो किनका है। राम सुंदर, इनका कहना है कि सर मुझे आपसे बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं आपके वीडियो को मिस नहीं करता हूं और वीडियो को फॉरवर्ड भी करता हूं, मैं आपको सत सत नमन करता हूं। सर मैं भी आपको सत सत नमन करता हूं कि आप हिंदू धर्म के प्रति इतने जागरूक हैं और आप इस धर्म को, यानी इस वीडियो को फॉरवर्ड करके आप लोगों का जो प्रश्न है, उत्तर है, जो दिव्य ज्ञान है हिंदू धर्म के बारे में, उसे आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आपको भी इसके लिए सत सत नमन। सर इनका कहना है सर मुझे आप ये बताएं कि मैं जब सोया था तब मुझे सपने में भगवान को मैंने देखा था, वो कौन थे, वो यमराज थे या कोई और भगवान? सर आप उनका स्वरूप बताएं कि आप जो जिस भगवान को देख रहे थे वो दिखने में कैसे थे, और आप घबराए नहीं, यमराज का दर्शन अभी मुझे जैसा आपके फोटो से लग रहा है, अभी आप हजारों वर्ष जिए, लाखों वर्ष जिए, हमारी यही मनोकामना है, कम से कम 100 वर्ष तो आप जरूर जिए सर, और यमराज के दर्शन अभी ना ही करें सर, यही हमारी मनोकामना है। और आपने भगवान के दर्शन किए सपने में ही क्यों ना हो, ये आपकी सर सत कर्मों का परिणाम है ये सर। अरविंद जी का कहना है कि जय श्री राम सर, जय श्री राम सर। इनका कहना है सर भीष्म पितामह कौरव के सेनापति थे, तब उन्होंने कर्ण से वचन लिया था कि वो जब तक युद्ध करेंगे तब तक कर्ण उसमें शामिल नहीं होगा, अगर कर्ण पहले आ जाता तो क्या कौरव की जीत निश्चित थी, असंभव। जब तक कृष्ण पांडव के साथ थे, या यूं कहूं तो जब तक धर्म पांडव के साथ था, अधर्म में स्वयं कोई और देवता भी आ जाते तब भी उनकी पराजय निश्चित थी सर। तो कर्ण के आने से और न आने से ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग सबसे बड़ी बात है कि अधर्म के पथ पर थे, अधर्म के पथ पर किसी न किसी प्रकार से अधर्म का नाश तो होना है, ये तो तय है सर, जीत असंभव थी सर। अरविंद जी का कहना है कि जय श्री कृष्ण सर, जय श्री कृष्ण सर। कहना है क्या कर्ण विजय धनुष से महादेव से भी जीत सकता था सर? असंभव। विजय धनुष जरूर था कर्ण के पास, परंतु वो तो भगवान की इच्छा से ही था उनके पास। एक सेकेंड यदि भगवान ने ऐसा सोच लिया कि ये विजय धनुष जो कर्ण के पास है वो अभी इसके हाथों से गायब हो जाए, ये चला जाए, उसी पल वो गायब हो जाएगा, महादेव से कैसे, वो कृष्ण से नहीं जीत सकता था, वो ऐसे कोई देवी देवता से नहीं जीत सकता था जो वाकई धर्म के पथ पर चलते हों, तो असंभव था सर। महादेव से तो जीतना खैर किसी के लिए भी असंभव है, कर्ण तो एक बहुत साधारण सा व्यक्ति है सर। भास्कर राय कह रहे हैं कि जय श्री राम सर, जय श्री राम सर। इनका कहना है सर आपके कोमल चरण में अनंत नमन। सर आपके कोमल चरणों में भी अनंत नमन, लाखों हजारों प्रणाम मेरा सर। इनका कहना है सर मैंने पूछा था दत्तात्रेय का जन्म किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था, और आपने बताया कि दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ था सर। हाँ ये बात मैं सही में उस दिन में भटक गया था, आपका ये प्रश्न मुझे याद आ गया कि आपने पूछा था किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था, परंतु मैं बताते बताते रास्ते में ही भटक गया कि दत्तात्रेय का जन्म किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ था। मैंने आपको ये बता दिया कि दत्तात्रेय का जन्म कैसे हुआ था सर। दत्तात्रेय का जन्म जो है वो एक नवनाथ संप्रदाय है सर, उसके अग्रज यानी उसके निर्माता, या यूं कहूं तो उसके
उसको निर्माण करने वाले, रचना करने वाले या उसकी स्थापना करने वाले दत्तात्रेय ही थे सर। और एक तो ये कारण है, दूसरा कारण कि जैसे कि तंत्र विद्या के जो भी लोग हैं उनका, चाहे वो जो तंत्र विद्या के लोग हैं वो शैव यानी शिव को मानने वाले हैं, वो शिव संप्रदाय के, शैव संप्रदाय के माने जाते हैं, और जो मंत्र विद्या को मानने वाले हैं वो वैष्णव संप्रदाय को मानते हैं। यानी दोनों, दो संप्रदाय के लोग दो दिशाओं में विभक्त हो रहे थे। तो उस वक्त दत्तात्रेय का जन्म हुआ और उनके जीवन का लक्ष्य था कि ये तंत्र और मंत्र दोनों का विलय, मतलब कि दोनों को एक किया जाए, मर्ज किया जाए। ये जो लोग अलग अलग रास्ते पे भटक रहे हैं, एक ही ईश्वर को प्राप्त करने के लिए अलग अलग ये रास्ते पे जो भटक रहे हैं, इनको ये पता नहीं है कि दोनों मार्ग एक ही जगह जाता है, तो उसे वो बनाना चाहते थे और उन्होंने तंत्र और मंत्र को दोनों को मिला करके एक मार्ग बना दिया सर। ये भी एक कारण था। वैसे और भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं सर, परंतु मुझे अभी यही दोनों कारण याद आ रहे हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ सर। भास्कर ये कहना है कि सर शिव के फोटो में सांप देखता हूं, एक गले में और एक माथे पे। अगर गले का सांप वास्तु है तो शिव के सर के ऊपर जो सांप है उसका क्या नाम है सर? सर वाकई यदि आप सच्चाई माने तो शिव के गले में ही एक सांप है जिसे वासुकी नाग कहा जाता है। माथे पे जो आप देखते हो उनके जटा को बांधा हुआ जो सांप है वो बस एक डेकोरेशन है जो हमारे आपके द्वारा फोटो में बनाया गया, वो वाकई में है नहीं। शिव का जो जटा है वो रुद्राक्ष के द्वारा बांधा गया, इस बात को मैं मान सकता हूँ सर। परंतु जहां तक मेरी जानकारी है वासुकी नाग सिर्फ और सिर्फ एक ही नाग, एक ही सर्प है जो शिव के गले में है सर। विपिन पाल जी कहना है कि भाई सेतु नाम की संस्था है श्रीलंका में, अच्छा ये मैंने पढ़ा था। रिकमेंडर कहना है कि सर 41 साल में एक बार हनुमान जी उस श्रीलंका में, एक क्या कहूं कबीला है या एक संस्था जिसका नाम है सेतु, जो जिस संस्था में प्रति 41 साल बाद हनुमान जी आते हैं और उन्हें दर्शन देते हैं और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उनको होती है, ऐसा इनका विपिन पाल जी का कहना है। क्योंकि एक बार इन्होंने और भी कहा था तो मैंने कहा था मुझे इसके बारे में सर जानकारी नहीं है, तो इन्होंने कुछ प्रूफ दिए हैं। इनका कहना है कि सर आप सेतु साइट जब ओपन करेंगे तो उसमें अपनी आईडी से लॉग इन करना, उसके बाद 25 चैप्टर है जो श्री हनुमान जी ने उन मतंग कबीले वालों लोगों को ब्रह्म ज्ञान दिया। हो सकता है सर, इसके बारे में मुझे शायद जानकारी नहीं हो, परंतु ये हो सकती है क्योंकि आप भी यदि बता रहे हो तो आपको भी कहीं कुछ पढ़ने को ही मिला हुआ तभी आप बता रहे हो, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ सर। हो सकता है सर, मुझे इसके बारे में सर जानकारी नहीं है सर। अब मैं, आप कह रहे हो तो मैं इस साइट्स के बारे में जानकारी करूंगा, देखूंगा इसको सर। आकाश गुर्जर जी का कहना है कि जय श्री राम सर, जय श्री राम सर। इनका कहना है कि सर इनका कहना है कि मेरे गुरु हनुमान जी का प्रणाम भाई। भाई जी भोले बाबा के पुत्र भगवान कार्तिकेय के पास कौन कौन सा वरदान था और कौन कौन से शक्तियां थी? सर ये कार्तिकेय जो है वो विजय, यानी यदि आपको कहीं विजय चाहिए तो वो विजय के देवता है, आपको विजय दिला सकते हैं। अगर जैसे वो सेनापति थे उनके पास अनेक दिव्यास्त्र अस्त्र शस्त्र थे, अब क्या क्या नाम बताऊं, वैसे मुख्य जो उनसे आप वरदान ले सकते हो या उनकी पूजा से आप अपने शत्रुओं का दमन कर सकते हो, उन पे विजय प्राप्त कर सकते हो सर। वैसे तो शिव और पार्वती के पुत्र थे तो इनके पास कितनी शक्तियां थी ये बताना भी असंभव है सर। वैसे इनका मुख्य जो अस्त्र और शस्त्र था वो धनुष और भाला था सर। अविनाश लाल जी कह रहा है कि सर जब सभी धर्म हिंदू धर्म से निकले हैं और सृष्टि की उत्पत्ति हिंदू धर्म बताता है कि मनु, और उनका कहना है जैसा कि हिंदू धर्म बताता है कि पृथ्वी पर मानव सभ्यता का विस्तार मनु और विस्तार मनु ऋषि से हुई थी, ये मनु और शत्रुपा, मनु और शत्रुपा नाम के दो स्त्री और पुरुष थे, जैसा कि हिंदू धर्म से बताया जाता है कि इनसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, इन्होंने ही मानव में सबसे पहले जन्म लिया था। और दूसरे धर्म में बताया जाता है कि एडम और ईव आए थे और उनसे इस सृष्टि में मानव की उत्पत्ति हुई। सर अलग अलग इतिहासकारों ने अपने अनुसार इसे अलग अलग लिखा। अब इनका कहना है सर ऐसा क्यों, जब सारे धर्म हिंदू धर्म से ही निकले हैं तो फिर अपने अपने अलग अलग धर्म में अलग अलग बातें क्यों?
सर अलग अलग धर्म के जो लोग हैं, धर्म तो केवल एक ही है, वो सनातन धर्म है सर, और कोई दूसरा धर्म नहीं, दूसरा जो है वो मजहब है सर, कोई धर्म नहीं है। और वो सब धर्म, ये हिंदू धर्म के या सनातन धर्म के सब अंग हैं जो इससे निकले हैं, और उससे निकलने के बाद जो अलग अलग संप्रदाय के लोग हैं वो अपने धर्म को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह से बातों को बताते हैं सर। और हिंदू धर्म के जो इतिहासकार रहे उनका कहना हुआ कि मनु और शत्रुपा से मानव की उत्पत्ति हुई, और वो पृथ्वी के सबसे पहले पुरुष और स्त्री थे। परंतु दूसरे जैसे कि मुस्लिम धर्म या क्रिश्चियन या जो भी आप कहना चाहो इस्लाम धर्म, उनका कहना है कि एडम और ईव से इस पृथ्वी पर सबसे पहले एडम और ईव की उत्पत्ति हुई, और उनसे फिर से मानव की उत्पत्ति हुई। ऐसा क्यों, इसके बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जो उस धर्म के इतिहासकार हैं उन्होंने अपने हिसाब से उसे लिखा, और जो हमारे धर्म के इतिहासकार हैं उन्होंने अपने हिसाब से लिखा। इस विषय पर मैं क्या टिप्पणी करूं सर? आप तो मान के चले कि दोनों ही सही है, हो सकता है कि जो मनु और शत्रुपा है उन्हीं को इन लोगों ने अलग अलग नाम से एडम और ईव के नाम से शायद प्रचलित किया, या शायद मनु और शत्रुपा जो हिंदू धर्म में इनका नाम पड़ा वही इस्लाम धर्म में एडम और ईव नाम से जाना गया, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। रोहित जी का कहना है कि जय श्री जय बाबा की, मिश्रा जी जय बाबा की। रोहित जी कहना है कि सर मंत्र जाप करते समय मंत्र की आवाज हमारे मुंह से बाहर क्यों नहीं आनी चाहिए? अगर बाहर आती है तो क्या उसकी शक्ति कम हो जाती है? यदि कुछ और कारण है तो बताएं। क्या कारण है कि गुरु मंत्र किसी और को नहीं बताना चाहिए? सर ये मंत्र जाप जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, जैसा कि मैंने आपके कमेंट में उत्तर भी दिया है कि मानसिक, वाचिक और उपनसु। ये दो तो मानसिक और उपनसु जो है, उपनसु ये जो है सो मानसिक सबसे उत्तम माना जाता है, जिसमें आपके मन से सिर्फ आवाज आनी चाहिए आपके हृदय के अंदर, और कहीं से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए, आपके मन के अंदर सिर्फ आवाज उठनी चाहिए, बाहर आपका शरीर का और कोई अंग उसमें काम ना करे, जैसे कि जीभ, होठ, ये सब काम ना करे। दूसरा है उपनसु, उपनसु ये जो है दूसरे प्रकार का जो है, उसमें क्या होता है सिर्फ आपकी जीभ काम करे परंतु आपकी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। और तीसरा जो है वो वाचिक है, यानी आपकी आवाज भी बाहर आए तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 प्रकार, जिसमें कि वाचिक जो है अधम है, यानी सबसे लास्ट कोटि में, थर्ड ग्रेड में आता है, और ये दोनों जो है वो उत्तम कोटि में आता है सर। वैसे यदि आप बोल के भी मंत्र का जाप करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु हाँ यदि आप बोल के जाप करते हो ये सब गुप्त बात है सर, ये किसी को बतानी नहीं चाहिए। यदि आप बोल करके जाप करते हो तो इधर अगल बगल जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो आपको रोकने का कोशिश करेंगी, आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचने देना चाहेंगी, और आपको बार बार वो डिस्ट्रैक्ट करेंगे सर। ये इसका शक्ति भी कम है सर बातचीत वाले का, आपका कहना बिल्कुल सही है कि उसकी शक्ति कम हो जाती नहीं, उसकी कम शक्ति ही है सर यदि आप बोल बोल के मंत्र का जाप करते हो तो। और दूसरा आपका कहना है गुरु मंत्र दूसरे को क्यों नहीं बताना चाहिए? सर गुरु मंत्र जो दिया जाता है वो गुप्त मंत्र है सर, उसे आपको वाकई किसी को नहीं बताना चाहिए, अगर आप बताते हो तो उसकी गुप्तता समाप्त हो जाती है, और फिर उसकी जो शक्ति होती है, जो उसका प्रमुख जो उसका उद्देश्य होता है, आपकी जो लक्ष्य जो होती है उस मंत्र की, वो सर आपको प्राप्त नहीं हो पाती सर। चलिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, और आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। और अगर आप हिंदू धर्म से रिलेटेड दुनिया का कोई प्रश्न पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। जय श्री राम, जय महादेव। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।